हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, वो मैं उसके 6 साल के बच्चे की माँ मम्मी बोल रहा हूँ ना। हाँ जी सर, वो मैं यूँ कह रही थी सर, आज शुगर है ना, दिन सुबह चेक किया था तो 287 आया था मॉर्निंग में। फिर उसके बाद सर लंच में है ना 305 आया था, तो ना 3 यूनिट इंसुलिन दे दी थी। ठीक है, फिर अभी भी 315 आ रहा है, 315। आप ना बीच में करके देखा करो कितना आ रहा है। तो अगर तो बीच में थोड़ी देर के लिए 315 आता है फिर तो कोई बात नहीं, आप खाने के बाद मत चेक किया करो। नहीं सर, अभी क्या हुआ, आज इसमें थोड़ा भूख कम लेट लगी, तो मैंने जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले चेक किया ही थे, 8:30 के करीब, तो 315 आई है। तो सर मैं यही बोल रही थी, अभी इसने खाना नहीं खाया, अभी अब दूंगी, तो उसको 315 है, तो इंसुलिन दूं या नहीं दूं? हाँ दे दीजिए, पर मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी खाने का टाइम हो गया, जी सर, आप अभी शुगर चेक कर रहे हैं, जी सर, आपको शुगर चेक करना चाहिए खाने से 2 घंटे 3 घंटे पहले, अलग अलग टाइम पर। अच्छा, खाने से 2 घंटे पहले, 2 घंटे कभी 3 घंटे पहले ना अलग अलग टाइम पर चेक करो। उसका रीजन ये होता है कि शरीर में जब शुगर की कमी होगी जी सर, तो लीवर रिलीज कर देगा। जी सर, तो आप उसके बाद में चेक करेंगे, जब शुगर कम हो चुकी है तो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। अच्छा, तो आपको ये समझना है कि क्या शरीर सिर्फ इसलिए तो नहीं ग्लूकोज छोड़ रहा कि ग्लूकोज कम हो रही है। जी, तो अगर 2 बजे खाना खिलाया तो आप 6 बजे चेक करो। जी सर, तो 6 बजे का मतलब हो गया कि अगर आपने मान जैसे दोपहर को खाने के साथ शायद इंसुलिन दे दी थी ना थोड़ी सी, हाँ, सुबह दी थी, तीन यूनिट दी थी सर थोड़ी। हाँ, तो जब आपने दी तो अगर वो 3 यूनिट सफिशियंट थी तो 5 बजे 6 बजे के आसपास ग्लूकोज गिर जानी चाहिए। जी सर, और अगर वो गिरती है और गिरने के बाद में बढ़ जाती है बिना कुछ खाए पिए, जी सर, तो उसका मतलब क्या हुआ कि शुगर बढ़ने का कारण है शुगर कम होना। जी ठीक सर, है ना, शुगर बढ़ना मतलब समझे? मान लीजिए आपने 3 बजे 2 बजे इंसुलिन और खाना दिया, हाँ सर, 303 आ रही थी, जी सर, आपने 5 बजे चेक किया 6 बजे चेक किया तो आपको मिला 150 100, इस तरीके का नंबर आ गया। जी सर, इसका मतलब है कि इंसुलिन और खाने ने जो काम करना था वो कर दिया। जी सर, अब 5 या 6 बजे के बाद से लेकर 8 बजे तक कुछ खाया पिया नहीं, जी सर, तो शुगर नहीं बढ़नी चाहिए। जी सर, अब क्योंकि शुगर जितना शरीर की रिक्वायरमेंट थी उससे नीचे चला गया तो लीवर में ग्लूकोज का कुछ स्टोर होता है, मतलब डिपॉजिट होता है, तो वहां से रिलीज कर देता है, वो इमरजेंसी स्टॉक होता है एक तरीके से समझो। जी सर, तो अगर लीवर वो छोड़ता रहा तो एक तो लीवर वीक होता जाएगा। ठीक है, अब आप जो खाने से पहले चेक करते हो आपको थोड़े दिन तो तकलीफ होगी, बार बार चेक करना पड़ता है, जी सर, परंतु उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि शुगर कम होने के बाद बढ़ रही है और अपने आप से बढ़ रही है, तो आपको खाने के टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा सर, अब अगर 6 बजे मान लो डिप हो रही है, 6 बजे 100 मिल गई तो 6 बजे ही खाना खिला दो। अच्छा, 6 बजे ही खाना खिला दो फिर। हाँ, क्योंकि वो लीवर रिलीज कर रहे हैं, इससे पहले आप खिला दो ताकि यहाँ खाने के टाइमिंग को एडजस्ट कर लो। मतलब जैसे 2 बजे का खाना है उसको 1 बजे कर लो और शाम का खाना 5-6 बजे कर लो, फिर 1 बजे एक बार 10 बजे भी खिला दो। अच्छा, तो आपको चेक ये करना है कि नीचे कब जाती है। अच्छा ठीक है, क्योंकि क्योंकि हाँ, जब भी नीचे जाएगी उसके बाद में अपने आप से बढ़ जाती है। अच्छा, तो हमें अपने आप से बढ़ने वाली चीज को रोकना है। अच्छा, अपने आप से बढ़ने वाले को रोकना। हाँ, अगर वो अपने आप से बढ़ने वाले को हम रोक लेंगे तो हम, क्योंकि हम इससे किसी तो हम ज्यादा इंसुलिन देते रहेंगे और ज्यादा नीचे जाती रहेगी, जितनी बार नीचे जाएगी हम फिर दोबारा इंसुलिन दे देंगे। मतलब शरीर, एक तो है कि खाने से शुगर मिल रही है और दूसरा है कि खाने से शुगर पूरी नहीं मिल रही है, हमारा शरीर ही छोड़े जा रहा है, उससे वेट लॉस भी हो जाता है। जी सर, ठीक है, तो कल से क्या करें कि 2 बजे के बाद में या तो खाना 2 बजे के बाद में 5 बजे चेक करो। अच्छा, और 5 बजे अगर आपको 200 मिलती है तो फिर दोबारा से चेक करो 6 बजे। जी सर, ये देखो कि वो नीचे कहाँ तक आती है। जी सर, ठीक है, तो 2-1 दिन में आपको आइडिया लग जाएगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम बना लेंगे कि किस तरीके से खाने को एडजस्ट करना है ताकि जो हमारा लीवर रिलीज कर रहा है वो न करे। तो अगर लीवर रिलीज नहीं कर रहा है तो खाने से जितनी मिलनी होगी मिल जाएगी, तो शुगर बढ़ेगी नहीं फिर। जी सर,
एक बात और क्वेश्चन थी सर, ये जो सुबह की पहले तो ना 200 के अराउंड ही आती थी, 200-250, ये सुबह की एकदम से बढ़ती कैसे आ रही है? जैसे आज भी 350 के आसपास थी, कल 350 थी, तो सर मॉर्निंग में इतनी क्यों आ रही है? मतलब इसका नहीं समझ में आ रहा है। या तो आप उसको रात में देखो, क्योंकि जब आपने कल का तो मुझे ध्यान नहीं, कल क्या आपने बताया था मैं कल का? बताती हूँ सर, कल इसके है ना सुबह 350 आई थी, और उसके पास नाश्ते में कियो ना आता है सर, बीज टाइप में आता है कोई फसल का, तो वो मैंने नाश्ते में दिया था। उसके बाद और 350 थी, तो 3 यूनिट इंसुलिन के साथ नाश्ता नहीं, दे दिया कल की, था। कल का बता रहे हैं, आज का बता रहे हैं? नहीं कल का बता रही हूँ सर। अच्छा, कल 350 था, ठीक है। तो आपने कल 2 बार इंसुलिन दिया था शायद, या एक बार नहीं दिया था नहीं रात सर, को? कल तो एक ही बार दिया था मॉर्निंग में, है ना सर, 350 आई थी, तो मैंने 3 यूनिट इंसुलिन देके, और वो कियोना करके नाश्ता वो आता है बीस टाइप में, तो उसका नाश्ता था, वो चावल जैसे बनता है, तो उसको बना के वो एक कटोरी और आधी कटोरी और खा ली थी छोटी। तो उसके बाद सर इसका दिन में चेक किया था मैंने, अराउंड 1:30 बजे के आसपास तो 90 आई थी सर। और फिर उसके बाद फिर शाम को वापस मैंने खाने से जस्ट पहले चेक करती हूँ सर, 7:30 बजे, 8 बजे खाना देना, तो 7:30 चेक करती हूँ, तो 7:30 चेक किया था, तो इसका आया था कल 350 के आसपास आया था, तो कल फिर इंसुलिन नहीं दिया था शाम को भी, ठीक एक बजे सुबह दिया था, और कल सर पानी का इंटेक्ट भी ज्यादा था, फुल डे था हर घंटे में, तो नहीं बढ़ी सर। पर आज जैसे खाने के साथ ही था, पानी का इंटेक्ट भी ज्यादा नहीं था, और बाहर पर ये शुगर जैसे बढ़ के आई, सुबह 350 थी, जबकि पहले है ना 200 या 250 के बीच में आती सर, 214, 220-230 ऐसे ही आती थी, ये सुबह की इतनी ज्यादा क्यों आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा। रात को गिर रही है नहीं गिर रही है उसका पता नहीं चल रहा ना। तो अभी तो आप अच्छा दिन का पता लगाइए कि खाने के बाद में एक बार गिरती है नहीं गिरती, तो अच्छा इसलिए सर, तो खाने से सुबह इमीडिएटली नहीं, सुबह बा तो एक बार मैं चेक कर लूँ सर, उसके बाद है ना फिर ये जब मैं 1 बजे या 2 बजे खाना दूँ, तो उससे पहले ही चेक करूँ या उसका पहले ही कर लूँ, मतलब उससे डेट पहले का चेक पहले? करिए। आप सुबह का खाना कितने बजे दे रहे हैं? सुबह सर 8, 8:30 बजे तक दे देती हूँ। 8:30 बजे का मतलब है कि करीब 11:30 बजे, 11 से 12 बजे के बीच में करो, और जरूरत पड़े तो 2 बारी कर लो, एक बारी 11 बजे कर लो, एक बार 12 बजे भी कर लो। अच्छा सर और आपको फिगर आउट ये करना है कि किस टाइम पर नीचे गिरती है, जी सर, और उस टाइम पर फिर खाने के एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा सर, और इसी तरीके से फिर रात का करना है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि खाने से शुगर मिल जाए, लीवर से रिलीज ना हो। अच्छा, वही सर, समझ गई सर। तो हमें, क्योंकि गिरती तो होगी जरूर, छोटे बच्चों को हाँ नहीं होना सर, चाहिए। कब मतलब इसकी एनर्जी लेवल से ये तो लगता नहीं है बिल्कुल भी, और फिर ये कि ना जैसे इसका ये मैंने चेक किया कि जब इसकी शुगर बढ़ी भी आती है ना, तो ये खाना 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 मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती, जब से मैं जैसे मैं बना रही हूँ चपाती बना रही हूँ, तो मैं बेटा 10-15 मिनट रुक जाए बस दाल, नहीं बस खाना चाहिए चाहिए, तो ये मतलब मैं चेक करती हूँ तो उसकी अराउंड बढ़ी भी आती है उस टाइम। तो उसका मतलब यही है कि वो लीवर रिलीज कर रहा है, जहां तक मेरे को समझ में आता है। आप ना खाना खाने के, मतलब वही जो है ना, खाना खाने के करीब 2 घंटे 2.5 घंटे पहले चेक करा करो, 2 से 3 घंटे पहले। अच्छा अभी हम सर कोशिश ये करें ना कि करीब करीब 6 घंटे गैप हो, जी तो सर, 3 घंटे बाद, अगर 4 घंटे बाद ऐसे चेक करो। सर मैं जब भी चेक करूँ आपको कॉल कर लूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ हो, हाँ मेरा कॉल क्या कर सर लो। मेरे नंबर से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर रहता है ना, तो जॉब वॉब के लिए, तो फिर इसे चेक करना, मैं अपने कॉल नंबर से कर लूंगी सर हाँ, करो करो, कोई बात तो आप जी अभी सर। मिस कॉल मार दो अपने नंबर से। नहीं नहीं सर, मैं कर लूंगी कॉल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं 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 है। मैं कह रहा हूँ मिस कॉल मार दो, मैं सेव कर लूंगा ना फिर अच्छा, अभी मिस कॉल कई कर देती हूँ। हाँ सर, बार। अभी मिस कॉल कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है सर, अभी 3 यूनिट इंसुलिन दे दूँ ना सर? तो हाँ दे दीजिए। सर नाइट में चेक वेक थोड़ी ना करूँ, या फिर करूँ एक बार आप बोलो तो? अगर आप कर सकते हो तो 2-3 बजे के बीच में करना कि नीचे जा रही है नहीं जा रही। अच्छा, रात को 3 बजे? हाँ 3 बजे, 2-3 बजे के, 2 बजे कर लो। जी सर, हाँ 2 बजे कर लो, और उससे फिर आइडिया लगेगा ना कि मतलब क्या हो क्या रहेगी। अगर आपके 2 बजे आपके आ रही है 200 और सुबह आ रही 300, तो गड़बड़ हो रही है ना। हाँ सर, वही तो जी हाँ, उसको पता लगाना है कि किस समय कब चेंज होती है। तो एक ही टाइम पर चेक करने का कोई फायदा नहीं है, सर। टाइमिंग चेंज कर करके चेक करो। और सर कल का रूटीन, वो डे थर्ड मतलब जब 1 घंटे पानी पहले खाने के पहले देना है, वो डे हाँ थर्ड हाँ स्टार्ट कर दूँ? ठीक हाँ हाँ वो करिए, घंटे है पहले भी सर। दे दीजिए और खाने के साथ भी दे दीजिए। अच्छा, खाने के साथ भी दे दो सर। हाँ गर्मी ज्यादा हो गई है, मैं प्रोग्राम चेंज करना था, वो भी बस लेट होता जा रहा है। अभी तो कम से कम 6 बारी तो 2 दिन में।
हाँ सर, वो क्योंकि बच्चा ना बीच बीच में बहुत पानी करता है, मतलब आज ही मैंने उसको खाने के साथ दिया था, बीच बीच में आप मानोगे सर 10 से 11 बजे के बीच में 20 ml पिलाया था, फिर उसके बाद थोड़ा और पिया, मतलब वो गर्मी के हिसाब से अब हमको ही कैसी लगती है तो बच्चा। हाँ, आप अगर खाना भी देने में, खाना देना है ना अभी एकदम से, हाँ सर, अभी खाना देना है तो अगर आप 10 1 मिनट हैं तो आप एक काम करो, पहले तो पानी दे दो थोड़ा, फिर जी उसके सर। 10 15 मिनट बाद खाना खिला देना, फिर उसके साथ भी पानी दे देना। तो थोड़ा पानी के इंटेक को बढ़ा के रखो, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि खाने से पहले और खाने के साथ वाला पानी बढ़ाओ, खाने के बाद ना देना पड़े। तो सर अभी जैसे 140 ml दे रही हूँ तो दे दूँ पहले या फिर हाँ मतलब दे कम दो दे करूँ दो, इंटेक? नहीं, 140 दे दो और खाने के साथ भी दे देना, पर 10 मिनट का गैप कोशिश करो, 10 15 मिनट का गैप कर लो खाने में और अभी। ठीक जी सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, मैं आपको मिस कॉल करती हूँ ठीक है, ना, ठीक है नंबर।